इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, वो कौन से इंसान हैं जिस पे लानत बरसती है और वो कौन से इंसान हैं जिस पे रहमत बरसती है। बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जो इंसान इस जमीन पे तकब्बुर किया करते हैं, अल्लाह की मखलूक को अपने से कम समझा करते हैं, तो आसमानों के फरिश्ते उस पे लानत भेजा करते हैं। तो उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे कैसे मालूम हो कि किस इंसान पे लानत बरस रही है और किस इंसान पे नहीं। बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम देखो जो इंसान उन लोगों की इज्जत करे, उन लोगों से प्यार करे जो हैसियत में इल्म में उससे कम हो, तो समझ जाना ये अल्लाह का खास बंदा है, अल्लाह की रहमत इस पे बरसती रहती है। लेकिन जो इंसान सिर्फ उनकी इज्जत करता हो जो इल्म में हैसियत में मर्तबे में उससे ज्यादा है, और उनकी इज्जत ना करता हो जो इल्म दौलत और हैसियत में उससे कम है, तो समझ जाना इस शख्स पे अल्लाह की लानत बरसती है। वो इस दुनिया में भी रुस्वा होगा और रोजे महशर भी अल्लाह के नजदीक सख्त हिसाब देगा।